पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत मलिक अहमद खान करेंगे। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक की सूरत हाल पर आज अहम बहस की जाएगी। इजलास में महकमे माइंस एंड मिनरल के मुतालिक सवालात भी पूछे जाएंगे। ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मिशन। शिमला पहाड़ी और गिरदानवा में इकदाम का आगाज। सिंची रिक्शों और हर किस्म की धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला बंद। सीटीओ का तजावजात और गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ भी क्रैकडाउन। बागात के शहर में स्मोक जाम का रोग बन गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 रिकॉर्ड। जहरीली फिजा से नजला, जुकाम, खांसी और सांस की बीमारियां आम। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। रायविंद आलमी सालाना तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का आगाज। मंदूबीन की आमद का सिलसिला जारी। पहले मरहले में लाहौर, पेशावर, मुल्तान और क्वेटा डिवीजन के अलावा बैरून ममालिक से लाखों मंदूबीन की शिरकत। पहले हिस्से के अख्तितामी दुआ 3 नवंबर को सुबह 8 बजे होगी। रायविंद तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का लाहौर पुलिस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। 3000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर मामूर। पंडाल में दाखिले के लिए 6 दाखिली रास्ते मुख्तस। 14 मकामात पर नाके और 40 वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए। इश्तिहारी और आदि मुजरिमान और अदालती मफरूरान के खिलाफ क्रैकडाउन। डॉल्फिन स्क्वाड ने 1 हफ्ते में 196 मुलजम गिरफ्तार कर लिए। SP डॉल्फिन शामिर खालिद का कहना है कि इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऐप से भरपूर इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट सरगर्म। अगवा बराए तावान सेल ने 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजम साबिर और सिकंदर से लाखों रुपए मोबाइल फोन और असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजम डकैती और चोरी की वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता है।